हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश कुलेरिया और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा पब्लिक रिएक्शन अपनी इस राइड के लिए। जी हां दोस्तों, ये है मेरा इलेक्ट्रिकल स्कूटर जो कि मोबाइल की तरह चार्ज होता है और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है इसे चलाने का। और जब भी मैं इसको बाज़ार में लेकर के जाता हूँ तो लोग मुड़ मुड़ करके इसको देखते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग मुझे फॉलो करने लग जाते हैं, कोई मेरी वीडियोस बना रहा होता है। सो मेरे पास पहले कैमरा नहीं था जिससे मैं आपको बता सकता लोगों के रिएक्शन, तो अभी फाइनली मेरे पास एक्शन कैमरा है Insta360, तो उसमें आपको बताऊँगा पब्लिक रिएक्शन। सो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस व्लॉग को। थैंक यू सो मच। तो गाइस, अभी मैं मेन सिटी में आ चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि घर से जब मैं आया तो वहाँ से थोड़ी उतराई रहती है, तो कैमरे को हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है, तो चलिए देखते हैं पब्लिक रिएक्शन फॉर दिस राइड। ब्रेक लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा है एंड वहीं पे ब्रेक भी है। आई होप सब कुछ सेफ रहे। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे लोग मुझे देख रहे हैं। आप देखना भी, ऑटो पीछे से आएगा तो उस पर बैठे हुए लोग मुझे किस तरीके से देखेंगे। As you can see, अभी मैं बैंक जा रहा हूँ, बैंक में मुझे काम है और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अपनी शॉप, वहाँ भी कुछ मुझे काम है। हेलो, कैसे हो? है जी, ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर है। ये मेरे फ्रेंड है यहाँ पे हिमाचल पुलिस में। और बढ़िया हो? चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, सो इस राइड के मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं जो आपको शेयर करूँगा और अब कुछ दिन मैं इस राइड के ऊपर ही वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो आई होप आप उन वीडियोस को एंजॉय करोगे। सो ये SBI बैंक आ गया और एंड यस, ये इसका स्टैंड है और इस तरह से ये फोल्ड हो जाती है जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद है। एंड लेट्स गो। लगभग 13 से 14 किलो की है ये, आई थिंक, तो कोई मुश्किल नहीं उठाने के लिए। सो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर से राइड करूँगा तो उसके बाद फिर मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, बैंक के दोनों काम हो गए हैं तो अभी चलते हैं अपनी शॉप की तरफ। तो देखिए कितना देर लगती है इसको खोलने में, बस इतना सा टाइम। एंड ये लगा दिया इसका लॉक। सो अभी देखते हैं, अपनी शॉप तक जाता हूँ, पब्लिक रिएक्शन कैसे रहते हैं। अरे इसको टाइम लगेगा पर एक्टिवेट हो। हाँ तो कोई बात नहीं, उत्तर आपको देखते सा उतराई आएगी। अब यहाँ पे उतराई आने वाली है, कैमरे को एक्सीलेटर वाले यानी कि राइट हैंड में पकड़ता हूँ, अदरवाइज ब्रेक लगाने की बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आप देखिए राइट साइड में गाड़ी थी जो बिल्कुल स्लो होगी।
ड्राइव करते हुए देखकर। तो अब जाकर के उन्होंने ओवरटेक किया। इसमें एक और फैसिलिटी रहती है कि थोड़ी देर आप जब एक्सीलेटर देते हो उसके बाद फिर एक बीप बजती है लगभग आधे मिनट के बाद, और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाती है अंटिल आप ब्रेक नहीं लगाते हो। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो उसके बाद से आपको फिर एक्सीलेट करनी पड़ती है अपनी राइड। एंड अभी आप देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल, अभी देखते हैं ये चढ़ पाती है या नहीं। थोड़ा सा मैं भी अपना एंगल चेंज करूँगा, और स्पीड बेशक स्लो होगी लेकिन फिर भी ये चढ़ गई। अब देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप इस इलेक्ट्रिकल स्कूटर को लेते हैं तो आपको एक स्टार वाली फीलिंग होगी। तो गाइस सारे काम हो चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। तो घर जाते जाते भी हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या रहता है स्कूटर को लेकर के। बहुत ट्रैफिक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे लोग अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हैं मुझे इस स्कूटर को चलाते हुए देखने के लिए। अब थोड़ी साइडिंग ठीक आ गई पकड़ने की, कैमरे की एंड स्कूटर की, क्योंकि ब्रेक सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हो कि हिमाचल में बहुत अप और डाउन होते हैं, लेन नहीं रहता उतना, तो ब्रेक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है उस कंडीशन में। अभी मैंने बैटरी चेक की थी तो लगभग 80% थी जब मैंने अभी चलना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी अच्छी एवरेज मिल जाती है अपने पूरे सिटी को कवर करने के लिए। अब थोड़ा सा प्लेन है, इस ब्रिज को क्रॉस करूंगा तो उसके बाद फिर से थोड़ी सी और चढ़ाई आएगी एंड उसके बाद थोड़ा मेरे घर तक प्लेन ही रहेगा। घर के पास से फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ जाती है, लगभग कुछ कदमों की दूरी का रास्ता रह जाता है उस पे। उस बाइक को मैं उठाता ही हूँ, अभी देखो अब चढ़ाई है ये एंड स्टिल बाइक चल रही है, थोड़ी सी स्पीड कम होगी बस। और काम याद आया, मम्मा ने अंगूर मंगवाए थे तो वो भी ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते। बड़े दिनों बाद निकाली है। हाँ बिल्कुल, ठंड थी तो ठंड में कैसे चलाता मैं। आधा किलो, कितने रुपए किलो है ये? 60 के आधा किलो, आधा किलो कर दो। और काले अंगूर ये 80 के आधा किलो, मेरे कितने लगेंगे? आपको 70 के लगा। साठ का नहीं है तो खराब हो जाती है, मेरे खराब हो जाएगी तो मैं रोज फिर ले जाऊंगा, खत्म हो जाएगी तो 60 का लगा दूंगा मैं। कोई और क्या, ये कैमरा है 360, बड़ा तगड़ा कैमरा है। सो गाइस फ्रूट्स ले लिए, गिर गई थी अभी साइकिल, और इसको इसके हैंडल में फंसा देंगे। स्टार्ट तो बस ऑन है, ये एक्सीलेटर है इसका, ये ब्रेक है इसकी।
चलते चलते फोन भी सुन सकते हैं। कंपनी वालों को बुला रहे हैं, चलते चलते तो कहाँ सुनेंगे, गिर जाएंगे, हो जाएगी डम। ये थोड़ी पैर रखने की थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। नहीं ठीक है, बहुत है, बढ़िया बैलेंसिंग ऐसी होती है ना इसकी। चलो ठीक है जी, थैंक यू, कल मिलते हैं। तीस डिग्री तक चलती है बस ये, तो यहाँ से अब मुझे पैदल जाने पड़ेगा अपने घर। इसका स्टैंड लगा करके फ्रूट्स निकाल देते हैं एंड हेलो जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलो भाई। सो गाइज, थैंक यू सो मच, ये था आज का व्लॉग। अभी इसको व्लॉग को ख़त्म करते हैं एंड कल फिर से ऐसे ही रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।